50 डेज 50 डिस्ट्रिक्ट चैलेंज का आज पांचवां दिन है और पांचवें नंबर पर हमने नए जिले डीडवाना कुचामन को रखा है जो नागौर से काटकर बनाया गया है। वैसे तो डीडवाना और कुचामन दो अलग अलग शहर है जिसके बीच की दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। शेखावाटी का तौरंद्वार के नाम से प्रसिद्ध डीडवाना कुचामन जिले में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं। यहाँ पर डीडवाना झील, कुचामन झील, नावा झील आदि स्थित है। अब बात करते हैं डीडवाना की। डीडवाना का प्राचीन नाम आभानगरी था, इसे राजा डीडू शाह ने बसाया था। डीडवाना मारवाड़, बीकानेर और शेखावाटी रियासतों की संगम स्थली है। यहाँ पर स्थित है डीडवाना झील, जिसे खालदा झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, डीडवाना झील के नमक में सोडियम क्लोराइड नहीं बल्कि सोडियम सल्फेट पाया जाता है, जो खाने लायक नमक नहीं होता है। इस झील के पास पाड़ाए माता का मंदिर है। निरंजनी संप्रदाय के संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद डीडवाना में हुआ था, जिसकी पीठ गाड़ावास गांव मकराना में है। 13 मार्च 1947 को डाबडा कांड डीडवाना के मौलासर गांव में हुआ था। मकराना जो केलसाइट प्रकार के सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, आगरा का ताजमहल इसी पत्थर से बना हुआ है। शेखावाटी की मीराबाई कही जाने वाली कर्माबाई डीडवाना कुचामन जिले के कालवा गांव मकराना से ही थी। नावा झील जो खारे पानी की सर्वश्रेष्ठ झील है, यह भी डीडवाना कुचामन जिले में ही आती है। परबतसर के वरुण गांव की बकरियां और बाजावास के बकरे बहुत प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा कही जाने वाली राणाबाई भी परबतसर के हरनावा से थी। कुराड़ा सभ्यता और दधीचि वंश की कुलदेवी कैवाय माता किंसरिया गांव परबतसर में स्थित है। गिगोली का युद्ध 1807 में परबतसर में हुआ। राजस्थान का जतिनदास कहे जाने वाले बाल मुकुंद बिसा का जन्म डीडवाना कुचामन जिले के पिलवा गांव परबतसर में हुआ था। जागीरी किलो का सिरमौर कहे जाने वाला कुचामन किले का निर्माण 750 में जालिम सिंह मेड़तिया ने करवाया था। डीडवाना कुचामन को पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर का पानी दिया जाता है। दोस्तों, नया जिला डीडवाना कुचामन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करते हुए लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।